आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। पठान ने सनातनियों के भगवान को ललकारा है। तो दोस्तों, जैसे जैसे पठान मूवी की रिलीज डेट पास आ रही है, वैसे वैसे पठान मूवी का बॉयकॉट भी तेजी से बढ़ रहा है। अभी 2-3 दिन से एक वीडियो जो कि इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पठान का बहिष्कार किया जा रहा है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो ये हैदराबाद के एक मॉल का है, जहाँ पर एक थिएटर है, जहाँ पर ये सब तोड़फोड़ हो रही है, क्योंकि वहाँ पर पठान के पोस्टर वगैरह लगे हुए थे, तो वहीं पर ये सारी तोड़फोड़ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि ये जितने भी लोग ये बजरंग दल के जो भी वहाँ पर घुसे हैं, और ये सभी तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आखिरकार इस मूवी के अंदर ऐसा क्या दिखाया गया है जिससे इस मूवी का बॉयकॉट इतना तेजी से हो रहा है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दूसरी मूवी में इस तरह के कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है? क्या बहुत सारी मूवी है जो कि बॉलीवुड के अलावा साउथ से भी आई है, तो उन मूवी में भी भगवा रंग जैसे इस कलर का इस्तेमाल किया गया है, तो उन मूवी को बॉयकॉट क्यों नहीं किया गया? आखिर पठान को ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि पुष्पा भी आई थी पिछले साल, उसमें भी एक आइटम सॉन्ग था, उसमें भी थोड़े बहुत कलर का इसी का इस्तेमाल किया गया था, तो उसको भी लोग भूल गए। लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान की जो मूवी है, इसको बस एक सॉन्ग की वजह से इतना ज्यादा बॉयकॉट किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इससे हमारे संस्कृति को ठेस पहुंची है, इसमें नंगापन दिखाया गया है। तो कहाँ पर दिखाया गया है? क्या दूसरी फिल्में नहीं दिख रही है? इसके अलावा बॉलीवुड की और भी कुछ फिल्में जो कि मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो इनके अंदर भी तो पीली साड़ी का इस्तेमाल किया गया था ना, तो इनको बॉयकॉट क्यों नहीं किया गया? बस पठान को ही क्यों कर रहे? यहाँ तक कि यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, ये मुस्लिम लोग जो है ये भी पठान का बॉयकॉट कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बात को है कह रहे बॉलीवुड के किंग, अंडे का किंग, यार छोड़ो ना भाई, यार एक 10 रुपए का भी नहीं है वो, पठान बोलने से पठान हो गया क्या? एक पठान की छोटी सी बात तो करके बत... तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप एसआरके से दिक्कत है, या फिर बॉलीवुड की इस फिल्म से ही दिक्कत है इन लोगों को? मेरी आपसे बस एक ही राय है कि ये फिल्म को आने दो, इसे देखो, अगर इसमें बहुत ज्यादा अगर किसी धर्म को ठेस पहुंचाई गई हो, तब जाके बॉयकॉट करो ना यार, पहले से ही बॉयकॉट पे बॉयकॉट किए जा रहे हो बस एक छोटे से सॉन्ग को सुनकर। तो लोगों को इतना तो ध्यान रख लेना चाहिए भाई। और आखिर बॉयकॉट करके करेंगे भी क्या? ज्यादा से ज्यादा ये पठान को फ्लॉप करवा देंगे, तो इससे होगा क्या भाई? वो खुद शाहरुख खान है भाई, उसको फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो ध्यान रखो, ये हमारा ही इंडियन सिनेमा है। अगर ऐसा ही होता तो इस मूवी को बनाने वाला जो डायरेक्टर है वो खुद हिंदू है, इसके अलावा इसमें काम कर रहे हीरोइन वो भी हिंदू है, बाकी जो भी एक्टर्स है सभी हिंदू है, बस एक अकेले ही शाहरुख खान है जो कि खान है, इसके अलावा उन्होंने और तो कोई भी दिक्कत नहीं की है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया है, जो कि आप खुद देख सकते हो, जिन्हें एक रिपोर्टर ने पूछा था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। शेखर राधा कृष्णा एसआरके। फिर भी ऐसे बंदे को आप बॉयकॉट पे बॉयकॉट किए जा रहे हो भाई, कुछ ध्यान रखो। मेरे हिसाब से सब चूतिया पाए, क्योंकि लोग जो है इन फिल्मों पर जो है अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं भाई। मेरे हिसाब से तो आप लोग इसकी जगह कुछ और करते, या फिर किसी नौकरी से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड अगर धरना करते ना, तो वो बात अलग थी। लेकिन लोग जो है एक फिल्म को लेकर इतना बॉयकॉट वगैरह वगैरह कर रहे हैं, इससे होगा क्या यार? कुछ नहीं होने वाला वैसे भी, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये फिल्म फ्लॉप होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लोग जो कर रहे हैं ना कि हमारा धर्म हमारा रंग, तो ये बाद में देखेंगे कि बाद में क्या करते हैं, जब और कोई फिल्म या फिर साउथ से फिल्म आएगी तब भी ऐसा करेंगे, या फिर बस चुपचाप बैठ जाएंगे? आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप भी इस मूवी का बहिष्कार करते हो, या फिर आप इसे देखना चाहते हो। और ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।